तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, नया क्या, मेरा ही एक ही यूट्यूब चैनल है। तो इस पर मैं यार, मुझे राइडिंग करना बहुत पसंद है। सबसे पहले यार मैं चाहता हूँ कि मैं भी जैसे यूट्यूबरों की वीडियो देखता हूँ तो उसमें सब लोग राइडिंग करते हैं, यार मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं राइडिंग करूँ। मैंने भी किया है, एक दो मैप भी बनाया है उस बारे में, और मैं आप लोग को भी मैप दिखा दूँगा कि मैंने मैप किस तरह से बनाया। और ये जो मैप बनाया मैंने, वो फैल्कन राइडर जो सर हैं उनसे इंस्पायर होके, उनसे सीख के ये अपना एक मैप बनाया चार्ट पे। नहीं कब राइड करूँगा, पर कर रहा हूँ बहुत जल्दी, और इसलिए मैं गोप्रो की भी तलाश कर रहा हूँ कि मुझे गोप्रो मिल जाए। ना मेरे पास लैपटॉप है, ना कैमरा है, कुछ भी एडिटिंग के लिए नहीं है। और ये फ़ोन है, इसके अंदर यार वाइड एंगल नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा किस तरह से चीज़ें होंगी, किस तरह से नहीं होंगी। लेट्स सी, कोशिश करते हैं। मैं बस अपनी फीलिंग्स इस चैनल पर भी शेयर करता रहूँगा और बताता रहूँगा। तो अभी हम चलते हैं मैप की तरफ, मैप देखते हैं कि क्या होगा, है ना। तो मैं जब इसकी बात कर रहा था ना मैप की, तो देखो मैप में ये ना सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। और भाई ये सारी चीज़ें हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये है दिल्ली। दिल्ली से हम यहाँ आते हैं सीधा जम्मू, जम्मू तक। ये वाला पॉइंट पूरा जम्मू तक का है। और जम्मू तक का मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि सिंपल रोड है, कहीं भी आपको रास्ते मिल जाएंगे। तो ये ना हमारे फैल्कन राइडर जो सर हैं उनकी साइड से मैंने मैप उठाया। तो हम, मेरा जो प्लान है ना वो ये है कि हम लोग यहाँ से सीधा नारकंडा जाएंगे, जो कि यहाँ से नारकंडा तक 140, और ये कितना, 140 और 65 किलोमीटर टोटल आप मिला के देख लो कि कितना हो जाएगा। और उसके हिसाब से हम यहाँ पे अपना काम करेंगे। काम करने मतलब कि यार, मतलब दिमाग में सारी चीज़ें हैं ना हमारे, तो मतलब ऐसा लगता है कि इजीली मैं सब कुछ कर लूँगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस मुझे ना साथ में एक लड़का तो चाहिए यार, जो मेरे साथ राइड कर सके, बस ये है। उसके बाद फिर रामपुर से इधर ये जाएंगे यहाँ पे, फिर वांगतू होते हुए टपरी। भाई चितकुल मुझे ज़रूर जाना है, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बार चितकुल को ज़रूर देखूं। ये पूरा मैप है यहाँ तक ना, स्पिलो, खाब, नाको, फिर ये जो गई मोनेस्ट्री है यहाँ पे, ये मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यहाँ की, यार बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस हैं। उसके बाद फिर ताबो होते हुए, काजा होते हुए, ये क्याटो, बाटाल, ग्रम्फू, और यहाँ से पूरा ये होते हुए। अब मैं अब बात करता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले, मैं बात करता हूँ जो ये जो कलरफुल जो मैप है, ये किस लिए बना हुआ है। इसलिए बना हुआ है, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें भैया ने दर्शाई हुई हैं। जैसे ग्रीन ग्रीन है ना, जहाँ भी देखो ये ग्रीन है, इसका मतलब है कि ये जो है अच्छे हाईवेज़ हैं, अच्छी रोड्स हैं, जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक मतलब जहाँ तक आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना इसमें, यहाँ तक आप इजीली जा सकते हो। उसके बाद जहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, ये वाला रेड, ठीक है, बाकी एक जगह ये जहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है, वहाँ पे इसका मतलब है कि थोड़ी सी खराब रोडें हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रेड रोड होगी, जैसे यहाँ पे ये वाली जो रेड रोड है, ये जूम करके दिखाता हूँ, ये जो रेड रोड है ना, इसका मतलब है कि यहाँ का जो रास्ता वो बहुत ही खराब है। और मैप में दिखा रहा है 50 किलोमीटर्स, भाई मतलब 50 किलोमीटर से। और रेड का मतलब खराब होना, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही खराब है, बहुत ज़्यादा खराब होना। तो भाई मजा आएगा यार, अगर एक बार मेरी हो जाएगा यार, अगर ये राइड लग जाएगी तो। बस यही दिखा रहा था मैप। और ये मैंने ना अपने एक चार्ट पे भी बना लिया है, और उस चार्ट पे पूरा मैंने ऐसे भी ऐसे बनाया, जैसे कि देखो यहाँ से और यहाँ तक का, नारकंडा तक हमें जाना है तो कौन कौन सी चीज़ें पड़ेंगी, कौन कौन सी नहीं पड़ेंगी। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ जाना है कि इतने किलोमीटर अगर हम चलेंगे तो हमें ये वाला मोड़ दिखेगा, इस वाले पे क्या ऐसी पहचान है जो हम इस पे जा सकते हैं। मतलब ऑफलाइन बना लिया एक तरीके से मैंने, पेपर पे यूज़ करके। तो बस इतना ही है यार इसमें तो, बाकी ये है कि प्लानिंग सारी है, बस निकलना है। और बस निकलेंगे कभी तो देखते यार क्या हो पाता है। तो भाई जैसा कि आपने देखा, जो मैंने अभी आपको मैप दिखाया, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं जाऊंगा। मैं कोई अदर रूट फॉलो नहीं करूंगा, कुछ अदर चीज़ें यूज़ नहीं करूंगा, बस पहला टूर होगा, अच्छे से जाऊंगा, जहां तक हो सकेगा करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसा भी बनेगा दिखाऊंगा यार। पहली बार मैं कोई चीज़ ट्राई करूंगा, और मैं ना मतलब
बहुत मन है यार। मैं कभी हरिद्वार से आगे तक नहीं गया, मैं अभी फिलहाल हरिद्वार में हूँ, यहाँ से आगे तक नहीं गया, और मैं चाहता हूँ कि पहली बार मैं जाऊँ। आप लोगों को बताऊँ, आप लोग सपोर्ट करें और बताना यार कि इस वीडियो में और कौन कौन सी चीज़ें मैं ना सुधार सकता हूँ, बना सकता हूँ। कुछ आइडिया देना कि मैं और किस तरह से व्लॉग बना सकता हूँ वहाँ जाने का, अगर मैं गोप्रो का जुगाड़ नहीं कर पाता हूँ तो। बस इतना यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू।